चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने दोस्त का स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना टाइम निकाल के मेरे साथ ये इंटरव्यू, छोटा सा इंटरव्यू करने के लिए तैयार हो गए। तो रवि रंजन जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आप अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रवि रंजन है और मैं साउथ वेस्टर्न रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर अभी कार्यरत हूँ। मेरा सिलेक्शन असिस्टेंट लोको पायलट के पद पे हुआ था और मेरी ट्रेनिंग भी अच्छी खासी रही। करना चाहो तो कोई जॉब भी टफ नहीं है, बहुत इजी है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें है कि इसमें आप ट्रेनिंग में क्या सीखते हो। ट्रेनिंग सबसे इम्पोर्टेंट की ट्रेनिंग होती है, जो दो टाइप की होती है। एक तो होती है मैकेनिकल और एक होती है GNSR, यानी जनरल एंड सेफ्टी रूल्स, यानी सिग्नल्स के बारे में। अच्छा, तो ये मैकेनिकल और जो मैकेनिकल होती है वो ट्रेनिंग कौन से लोगों, किस टाइप के लोगों के लिए होती है? वो आपको हर टाइप के लोगों के लिए होगी। एक डीजल होता है और एक इलेक्ट्रिकल लोगों होता है, ठीक है। तो हमारी ट्रेनिंग तो डीजल के लिए हुई थी और अभी इलेक्ट्रिकल स्टार्ट हुई नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल की ट्रेनिंग और डीजल की ट्रेनिंग साथ साथ होती है या आगे पीछे भी होती है? नहीं, आगे पीछे हो सकते हैं या साथ साथ भी हो देते हैं। अच्छा, जैसा आपको जिस डिवीजन, जो डिवीजन अलॉट होगा, वहाँ पे कौन सी लोको ज़्यादा चलाए जाते हैं, कौन सा मतलब डीजल इंजन होता है या इलेक्ट्रिक इंजन चल रहा है, इलेक्ट्रिफाइंग एरिया है, तो उस अनुसार आपको वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ट्रेनिंग जहाँ पे होती है तो वहाँ का कैसा कल्चर रहता है? मतलब अगर स्टूडेंट कहीं दूसरे जोन से है और उसका किसी दूसरे जोन में सिलेक्शन हो गया, तो लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम या फिर पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत आती है, कुछ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को? जैसे कि मेरे लैंग्वेज से आपको पता चल रहा हो कि मैं बेसिकली नॉर्थ इंडिया से हूँ और मैं साउथ में जॉब कर रहा हूँ। तो इधर नॉर्थ इंडिया का मतलब हिंदी लोगों को बहुत प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन मेरे ट्रेनिंग में कभी ऐसा हुआ नहीं। मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं साउथ में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। यहाँ मेरी ट्रेनिंग हिंदी में हुई, इंग्लिश में हुई, अच्छी ट्रेनिंग हुई। टीचर ने बहुत अच्छे समझाए, बहुत अच्छे से पढ़ाया मुझे। तो इसमें कभी ऐसा मुझे फील नहीं हुआ कि मैं नॉर्थ साउथ में आया हूँ। तो कितने महीने की ट्रेनिंग रहती है वैसे आपकी? इसमें 2 महीने डीजल की ट्रेनिंग होती है, जिसमें मैं जिस इंजन में काम करना है उस इंजन के बारे में, पार्ट्स, कौन सा पार्ट, कौन सा फंक्शन क्या काम करता है, इन सब के बारे में जानकारी दी जाती है। और इसके बाद फिर एक ट्रेनिंग और होती है इसके अलावा सिग्नल्स के बारे में, कि कौन सा सिग्नल है, क्या सिग्नल है, कौन सा एक्सपेक्ट होते हैं वगैरह, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी होती है और कुछ इंडिकेशंस भी होते हैं। अच्छा, तो फिर अगर ये ट्रेनिंग हो जाने के बाद सिग्नल्स और डीजल की जो भी टेक्निकल ट्रेनिंग होने हैं, फिर आपको सीधा मतलब अपॉइंट कर दिया जाता है? नहीं, उससे पहले हमें दिखाया जाता है कि हमसे हमारे हमें कौन से काम करने फील्ड वर्क में, जैसे हमारे से सीनियर जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी एक्टिविटी पे हमें ध्यान देना पड़ता है, ताकि मुझे हमें फ्यूचर में जब काम करते कोई दिक्कत ना हो। वो कैसे काम करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, किस वक्त उनका कौन सा रिएक्शन होता है, कौन सा सिग्नल देखने बाद उनका क्या रिएक्शन होता है, इन सब चीज़ देखना पड़ता है। और जिसे हम इसे हैंडलिंग कहते हैं, जो हमारे 1 महीने का कोर्स होता है, ये अच्छा, हैंडलिंग भी ट्रेनिंग का पार्ट होता है? पार्ट होता है। इसमें हम जानते हैं कि हमारे एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए जब हम इंडिपेंडेंट जॉब करें, जब कोई ना हो हमारे साथ, हम और लोको पायलट साथ में हो। तो ये जो ट्रेनिंग का समय होता है, जो भी ट्रेनिंग की ड्यूरेशन होती है, उस दौरान कोई आपको मतलब सैलरी या स्टाइपेंड कुछ मिलता है? हाँ, स्टाइपेंड मिलते हैं हमें, स्टाइपेंड केवल मिलते हैं, बेसिक प्लस DA मिलते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं मिलते हैं। और अच्छा, तो और उसके बाद फिर जब हैंडलिंग हो जाती है, हैंडलिंग के बाद फिर क्या होता है नेक्स्ट, कैसे है? हैंडलिंग, जैसी हमारी हैंडलिंग ख़त्म होती है तो हमें दिया जाता है LRS, हमें कौन से रूट में गाड़ियाँ चलानी है उस रूट की पूरी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। जैसे कहाँ पे कौन से रूट पे अपना अपग्रेडेड है, डाउनग्रेडेड है, सिग्नल्स कहाँ पे है, सिग्नल पोजीशन देखते हैं, स्टेशन देखते हैं, स्टेशन किधर की साइड में कौन सा स्टेशन है, ऐसे सीरियल वाइज करके स्टेशन के नाम भी हमें याद रखने पड़ते हैं, अच्छा, ताकि LRS मतलब एक तरह का उस रूट की लर्निंग हो जाती है। हाँ, रूट की लर्निंग के लिए मुझे वो करना पड़ता है हम लोग को। तो कितना दिन का ये LRS होता है? ये LRS हमारा एक्चुअली 6 दिन का होता है, 3 ट्रिप का। एक ट्रिप, 3 ट्रिप में क्या होता है, एक ट्रिप में होता है, एक यहाँ से मान ली मैं हुबली से बेलगाम में LRS लिया, तो मुझे एक ट्रिप होता है कैसे हुबली से मैं बेलगाम गया, बेलगाम से वापस चले गए, ऐसे करके 3 ट्रिप होते हैं, छः अच्छा दिन के अच्छा LRS होते हैं। अच्छा तो उसके LRS ख़त्म होने के बाद फिर
फिर उसके बाद हमें हम लोग का पर्सनल नंबर लिया जाता है और एक अल्टरनेटिव नंबर भी लिया जाता है। उसे क्या होता है कि हमारे पर्सनल नंबर को कॉल करके हमें बोलते हैं कि सर आपका इतने बजे का 2 घंटे पहले का आपका वार्निंग कॉल देते हैं कि आप अलर्ट रहिए, आपका फाइनल कॉल आने वाला है, यानी कि आपको ड्यूटी पर बुलाने वाले हैं। अच्छा, मतलब LRS ख़त्म होते ही आपकी ड्यूटी शुरू हो जाती है और हमें बुलाया जाता है। फ़ोन मेरा हम लोग का नंबर लिया जाता है और हमें फ़ोन करके बुलाया जाता है। लॉबी होता है जहाँ हम लोग अपना अटेंडेंस बनाते हैं। लॉबी से हमें फ़ोन आता है कि सर आपकी इतने बजे से ड्यूटी है, आप अलर्ट रहो। फिर उसके बाद 2 घंटे के वार्निंग कॉल के बाद हमें फ़ाइनल कॉल दिया जाता है, सर आपकी ऑन ड्यूटी इतने बजे की है, आपको इतने बजे लॉबी आना है आप, और इस ट्रेन के लिए आपको बुक किया जाता है। इस तरह से हमें ड्यूटी पर लगाया जाता है। अच्छा, मतलब अगर आपका जैसे जब LRS ख़त्म हो जाता है तो फिर आपकी ड्यूटी शुरू हो जाती है। और तो कैसा, मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था जब आपका फर्स्ट डे ऑफ ड्यूटी था, तो कैसा रहा था आपका एक्सपीरियंस? आप कुछ उसको मतलब शेयर कीजिए, आपको कैसा फील हुआ था? पहले तो बहुत डर लगा था, पता नहीं मेरे से क्या होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन हमारे सीनियर्स थे जिनके साथ हम जा रहे थे, लोको पायलट, उन्होंने बोला बेटा डरो नहीं, ये कोई डरने वाली जॉब नहीं है, तुम टेंशन फ्री होके काम करो, एकदम निश्चित हो, जो तुम जानते हो उसके बारे में तुम अपना काम करो, जो तुम्हें सिखाया गया वो केवल याद रखो और इसके अलावा कुछ नहीं, और टेंशन फ्री होके काम करो, कोई भी एक पल का भी टेंशन नहीं लेना उसमें। तो जब आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है तो उस समय आपकी सैलरी कितनी बनती है और क्या क्या अलाउंसेस, क्या क्या मतलब सैलरी के साथ क्या क्या अलाउंसेस दिए जाते हैं? हैंडलिंग तक तो हमारा बेसिक प्लस DA बनता है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं जाता। जैसे हम लोग LR से स्टार्ट करते हैं उस समय से हमारे सैलरी में बहुत सारे अलाउंस स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे हमने कितने किलोमीटर तय किए, नाइट ड्यूटी की कि नहीं की, नाइट ड्यूटी अलाउंस हो जाता है, किलोमीटर अलाउंस होते हैं, और HRA मिलते हैं, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इस तरह के बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं जिससे आपकी सैलरी मैक्सिमम बहुत पहुंच सकती है, मिनिमम 40-45 रहते हैं। अच्छा, मैक्सिमम फिर भी कितना 50-60 भी हो सकती है अगर एक अगर आप गुड्स में मतलब मालगाड़ी या गुड्स ट्रेन में काम करते हो तो आपका 60 पहुँच सकता है मैक्सिमम। जैसे ही आप सीनियर LPs बन जाते हैं 2-3 साल के बाद, तो आपका बढ़ना, आप एक्सप्रेस या पैसेंजर ट्रेन में काम करने लगते हैं तो वो आपका किलोमीटर अलाउंस बढ़ने लग पड़ते हैं और उससे सैलरी आपकी 70-80 तक पहुंच सकती है, 90 तक भी पहुंच सकती है। लेकिन ये ऐसा डिपेंड करता होगा कि जैसे अगर गुड्स ट्रेन में है तो कितना किलोमीटर हुआ है, किसने मतलब कितना किलोमीटर ट्रैवल किया है, उस पर डिपेंड करता होगा सैलरी। हाँ। हर किसी का तो 60 नहीं बन पाता होगा, हर किसी का 60 नहीं, मतलब जैसे ड्यूटी लगेंगे आपकी, जितने किलोमीटर आप कमाओगे किलोमीटर पर डिपेंड करता है, किलोमीटर 42-45। अगर आप चाहते हो कि आपका और आपके फ्रेंड्स का एक जैसा सैलरी बने तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरे एक फ्रेंड है जिसके उसकी सैलरी 60 बनती है, मेरे 45-50 बनते हैं कभी कभी, क्योंकि वो किलोमीटर ज़्यादा कमाते हैं, उनकी ड्यूटी ज़्यादा लगती है या इस टाइप से, और मेरी ड्यूटी कम लगती है, तो इस टाइप से सैलरी बढ़ते जाती है। एक तरह से आप ये नहीं कह सकते कि हम दोनों एक ही पोस्ट पे हैं तो तुम्हारी सैलरी इतनी क्यों हो गई, मेरी सैलरी इतनी क्यों है, इसमें सैलरी की कोई लिमिट नहीं है और ना ही लेवल है। अच्छा, तो वैसे सैलरी के मामले में ये आपको जॉब कैसी लगती है, संतुष्ट आप हैं इस जॉब से सैलरी के मामले में? सैलरी के मामले तो बहुत संतुष्ट है, क्योंकि जितना आप काम करोगे, जितना किलोमीटर कमाओगे, उतना ही आपकी सैलरी बनती जाएगी और बहुत सैलरी बनेगी इसमें। अच्छा, तो वैसे आपकी आपने मतलब बताया नहीं कि आपने के लिए मतलब क्या आपका ये लोको पायलट बनना मतलब एक मतलब पैशन था? एक्चुअली ऐसा था कि हम ठहरे बिहार से और बिहार में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो किसी ने मुझे बताया कि तुम क्या करो, एक टेक्निकल डिग्री ले लो। तो मैंने सोचा मैं ITI कर लेता, तो मैंने ITI करी। ITI करने के बाद किसी ने बताया कि तुमने ITI की, तो ITI का सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट था, तो मैंने वही करने की सोची और मैंने 4 साल वेट किया इस पोस्ट के निकलने का, और जैसे निकला मैंने अप्लाई किया और अभी आज मैं यहाँ पे हूँ। तो आपका ये मतलब पहली बार में सिलेक्शन हो गया? मेरा पहले बार में सिलेक्शन हो गया था, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि थैंक यू आपने मतलब एक ही बार में एग्ज़ाम निकाला और आप बहुत जल्दी आपने जॉब पा ली, तो इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और बताइए साथ के साथ कि अगर जो एस्पिरेंट्स अभी तैयारी कर रहे हों या फिर इस पोस्ट में आना चाहते हों कभी, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि
पोस्ट बहुत अच्छे हैं, किन्हीं के बहकावे में एक बार करके देखें, उसके बाद ही किन्हीं की सुने। क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे वैसा बोला कि ये तो जॉब करने जा रहे हो, इसमें ना खाने का टाइम है, ना पीने का टाइम है, ना सोने का टाइम है, कभी भी कर सकते हो। तो अगर हम लोग खाने पीने के बारे में सोचने लगे तो इंडियन रेलवे कुछ हद तक रुक जाएंगे। अगर हम ये प्रायोरिटी खोजने लगे, मतलब साधन खोजने लगे कि मुझे नाइट में ड्यूटी नहीं करना, मुझे दिन में ड्यूटी नहीं करना, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो आपको तो करना ही पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक जिम्मेदारी वाली पोस्ट है ये। कलर की पोस्ट नहीं है कि 9 से 6 काम करना है, ये आपको कभी भी बुला सकते हैं ड्यूटी के लिए। जैसे आपका रेस्ट क्लियर होता है वैसे आपको बुलाते हैं। और हाँ, रेस्ट क्लियर से ज़्यादा है, जैसे हमारा एलआर स्टार्ट हुआ, हमने इंडिपेंडेंट काम शुरू करना किया, तो इन्होंने मुझे बुक किया। एक दिन की बात है, इन्होंने मुझे बुक किया बेलगाम के लिए। मैं यहाँ से बेलगाम गया अपने डेस्टिनेशन पे, तो मुझे वहाँ जाते जाते 10 घंटे हो गए। तो 10 घंटे हो गए, तो क्या होता है, अगले लॉबी में मुझे जैसे ही 10 घंटे मेरे पूरे, 8 घंटे पूरे होते हैं, तो वहाँ पर एक रनिंग रूम होता है हमारे गार्ड और रनिंग स्टाफ के, असिस्टेंट लोको पायलट, लोको पायलट के रेस्ट करने का। तो उसमें हमें 8 घंटे का रेस्ट दिया जाता है। 8 घंटे जैसे हमने कम ड्यूटी करी तो उसमें हमें 6 घंटे का रेस्ट दिया जाता है। 6 घंटे के बाद फिर हमें वहाँ से वापस अपने हेडक्वार्टर के लिए बुक किया जाता है। हम लोग यहाँ आते हैं, अपने हेडक्वार्टर में साइन अप करते हैं, तो साइन अप करने के बाद हमें अपने हेडक्वार्टर में 16 घंटे का रेस्ट दिया जाता है। 16 घंटे के बाद 17वें घंटे हमें बुक कर देते हैं, ट्रेन बुक करते हैं हमारे नाम से। तो ऐसा अक्सर होता है कि आपको मतलब फिक्स एक 16 घंटे का या 8 घंटे का ही रेस्ट मिलता है, ऐसा हमेशा होता है या कभी कभी ज़्यादा कम? कभी कभी क्या होता है कि लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट की जो नंबर संख्या होते हैं वो कम जाते हैं, तो पोजीशन बहुत टाइट हो जाती है। अगले 16वें हो सकता है आपको 14-15वें घंटे में बुक कर दे। और कभी कभी क्या होता है कि इतने लोको असिस्टेंट लोको पायलट हो जाते हैं कि उसमें आपको 20 घंटे 25 घंटे 30 घंटे एक दिन बाद, 2 दिन बाद आपको बुक करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको जैसी स्थिति होती है वैसे आपको ये बुक करते हैं। जैसे अभी हमारा करंट पोजीशन लॉकडाउन में चल रहा है, हम एक दिन ड्यूटी जाते हैं, 2 दिन 4 दिन के बाद फिर अगली ड्यूटी लगती है, 5 दिन के बाद अगली ड्यूटी लगती है, क्योंकि सारे सीनियर एलपीज सब के सब आ गए हैं, तो सबको देना पड़ता है ड्यूटी। इस चलते अभी हमारी ड्यूटी 2 दिन 4 दिन के पर लगती है। अच्छा, तो अभी मतलब आपको थोड़ा रिलैक्स है? मतलब अभी फिलहाल रिलैक्स है, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा फिर पोजीशन टाइट हो जाएंगी, फिर वैसे वही काम। ये बहुत एक सराहनीय बात है कि इस लॉकडाउन में भी आप लोग काम कर रहे हैं। तो और ये बताइए कि जो ट्रेनिंग होती है आपकी, तो ट्रेनिंग में कैसा, मतलब आपका शेड्यूल कैसा रहता है, पूरा एक पूरा दिनचर्या कैसा रहता है आपका वहाँ पे, और क्या क्या अदर एक्टिविटीज़ होती हैं साथ के साथ, पढ़ाई के साथ साथ? ट्रेनिंग में पढ़ाई के साथ साथ हमारे हेल्थ पे भी ध्यान दिया जाता है, कैसा एक लोग असिस्टेंट लोगों को पहले खाना होना चाहिए ताकि वो हेल्दी रहे, बीमार ना हो, और उनके स्वास्थ्य वगैरह, जैसे एक्सरसाइज हो गए, खेल कूद हो गए, ये ट्रेनिंग के साथ ही हमें दिया जाता है। हमारा जो ट्रेनिंग हुई थी गुंटकल में, तो उसमें हमें सुबह सुबह एक्सरसाइज होते थे, फिर 8-9 बजे से क्लासेस चलती थी, 9 से दोपहर में लंच होता था, शाम में 6-4 बजे 4:30 को शाम में हमारे लीव हो जाती थी। उसके बाद हम लोग का टूर्नामेंट खेल वगैरह, क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल वगैरह होते थे, हम लोग शाम तक खेलते थे। इस तरह से ना हमारे माइंड में प्रेशर नहीं होता था कि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, किस चीज़ की कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ऐसा होता है। लेकिन हाँ, खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है, उसमें ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको खेलना नहीं है, आपको ड्यूटी करनी है और उस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, तो जैसे ये ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग के बाद किसी प्रकार का मतलब कोई एग्ज़ाम भी होता है अगर मान लो ट्रेनिंग में, फिर कैसे आदमी, हम कैसे समझेंगे कि आपने ट्रेनिंग को ग्रांट किया है या ट्रेनिंग सही से करी है या ट्रेनिंग सही से नहीं करी, कैसे ये मतलब क्लियरिफाई होता है? हाँ, जैसे ही हमारी ट्रेनिंग ख़त्म होती है, 2 महीने या 3 महीने की जो भी ट्रेनिंग ख़त्म होती है, तो हमारे पास इसके बाद एक एग्ज़ाम लिया जाता है कि आपने ट्रेनिंग में क्या क्या पढ़ा, अगर आपके साथ कोई कंडीशन आ जाए तो क्या करोगे आप, तो इसी के बारे में जानकारी दिया जाता है और इसी से रिलेटेड सवाल होते हैं, और उसको पास करना अर्जेंट रहता है। पास करोगे, जैसे पास करोगे जितना अच्छा नंबर लाओगे उसी तरह से आपकी सीनियरिटी बनेगी, आपका बेसिक कुछ ऐसा पेमेंट बढ़ता रहता है, उसमें सीनियरिटी बनती है ताकि प्रमोशन भी आपको जल्दी मिलती है सीनियरिटी। अच्छा, मतलब जितने हाईएस्ट मार्क्स होंगे आपके उसी हिसाब से आपकी सीनियरिटी होगी और उस हिसाब से आपका प्रमोशन होगा। तो प्रमोशन किस प्रकार रहता है, जैसे अभी आप एज अ एएलपी ज्वाइन किए हैं, फिर नेक्स्ट प्रमोशन कितने समय बाद होगा और क्या होगा? हमारा नेक्स्ट प्रमोशन 4 साल के बाद होगा, जब हमारी ट्रेनिंग होगी सीनियर एएलपी के लिए।
तब उसमें हमारा नेक्स्ट प्रमोशन होगा और हम फिर गुड्स ट्रेन के ALP के बाद हम मेल एक्सप्रेस के पैसेंजर के ALPs हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन कितना टाइम लेता है? मिनिमम 4 ईयर्स। मिनिमम 4 ईयर्स, तो नेक्स्ट प्रमोशन क्या होता है? 3 और 4 ईयर्स लगभग होते हैं। तो नेक्स्ट पोस्ट क्या होती है फिर? वो सीनियर ALP हम लोग बन जाते हैं। सीनियर ALP, हाँ। उसके बाद हम बनते हैं लोको पायलट, इसके गुड्स के पहले बनते हैं, फिर उसके बाद सीनियर लोको पायलट्स बनते हैं पैसेंजर से, फिर मेल बार एक्सप्रेस के बनते हैं। अच्छा, तो और रेलवेज में आपको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है? रेलवे का एक अपना खुद का हॉस्पिटल होता है, उसमें हमें अगर कभी भी अपने आप को बीमारी या बीमार फील करो तो आप लॉबी को फ़ोन कर कह सकते हो, सर मैं आज बीमार हूँ तो मैं ड्यूटी नहीं आ सकता, और आप तुरंत हॉस्पिटल जा सकते हो। इसमें कोई चार्जेस कोई कुछ नहीं रहता, और हमें Type 2 क्वार्टर भी अलॉट हुआ है, जो बहुत अच्छा क्वार्टर है, रेलवे ने हमें अलॉट किया है, जिसका HRA हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, वो हमारा भी कटता है पेमेंट से। अच्छा, तो अगर आप क्वार्टर लेते हो तो आपका HRA कटेगा, अगर आप नहीं लेते क्वार्टर तो आपको पेमेंट में जुड़ के आता है HRA। और छुट्टियाँ किस प्रकार से दी जाती हैं, या छुट्टियाँ किस प्रकार से मिलती हैं रेलवे में? रेलवे में छुट्टियाँ हमें 10 CL रहता है कैजुअल लीव, फिर अपना हर 6 महीने पे 15 15, हर 6 महीने पे 15 LAP मिलते हैं लीव एट एवरेज पे, और हर 6 महीने पे टोटल 1 साल में 30 LAP होते हैं, 10 CL होते हैं, और इसके अलावा 10 10 20 LHAP होता है लीव एट हाफ एवरेज पे, ऐसे करके हमारा छुट्टी मिलता है। कुल मिला के 50 डेज छुट्टी मिलता है, लेकिन हम 50 डेज एक साथ नहीं ले सकते। अगर आप सोचोगे कि मैं LAP और CL एक साथ लगाऊं तो ऐसा नियम नहीं, या तो आप CL लो या तो आप LAPs लो काटो। अच्छा, एक बार में कितनी छुट्टियां ले सकते हैं हम लोग? एक पोस्ट एक सर जी है हमारे लॉबी में CCC यानी चीफ क्रू कंट्रोलर, वो हमें मैक्सिमम 15 दिन की छुट्टी दे सकते हैं। अगर हमें इससे ज़्यादा दिन की छुट्टी लेनी हो तो हमें डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर DME से छुट्टी लेनी मांगनी पड़ती है, वो छुट्टी अलॉट करते हैं। अच्छा, तो आपने अभी तक किसी प्रकार का अपनी ड्यूटी करते हुए ड्यूटी के दौरान किसी प्रकार का कोई अनयूजुअल या कुछ ऐसा मतलब फील किया जिससे आपको मतलब अच्छा ना फील हुआ हो कि मतलब ये जॉब किसी प्रकार से आपको लगा कि ये जॉब ठीक नहीं है, या फिर किसी प्रकार से? कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण आपको बहुत ऐसा लगे कि हम गलत जगह आ गए, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अब रात होता है सोने के लिए, लेकिन आप उस पर काम करते रहते हो, ट्रेन चल रही होती है, आप उस पर सोचते रहते हो कि अभी मुझे सोना चाहिए था, अभी मैं वर्क में हूँ, तो इस टाइप के कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, तो उसको तो झेलने की सहन शक्ति आप में होनी चाहिए। हाँ, जैसे मतलब आर्मी हमारे लिए वर्क करती है, वर्क करती है 24/7, उस तरह से रेलवे भी हम कर सकते हैं कि हम लोग क्या बोले जाते हैं, अपने आप को कहलाते हैं रनिंग स्टाफ, यानी जो हमेशा दौड़ते रहता है, जिसके कारण रेलवे रनिंग में रहती है, हमेशा चलते रहते, कोई ना कोई आदमी किसी ना किसी वक्त काम करता ही रहता है। तो आने वाले जो भी न्यू ज्वाइनिंग हैं या फिर जो तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या एक मैसेज होगा? आने वाले जितने भी ट्रेनीज हैं और जो फ्यूचर में बनने वाले लोको पायलट से सिस्टम लोको पायलट से, मैं उनको बहुत बहुत वेलकम करना चाहूँगा कि आप रेलवे में आओ और अपनी सेवा उनको दो। ये और दूसरी बात यह है कि आप इस जॉब में आने के बाद तनाव टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जैसे ही आपने टेंशन लिया, टेंशन आप पे क्या कहते उसे, टेंशन आप पे वो हावी हुआ, आपसे ये काम थोड़ा डगमगा जाएगा। तो ये क्या है, टेंशन मतलब बहुत कंसंट्रेशन वाला काम है, कंसंट्रेशन वाला काम है, और इसमें बहुत जिम्मेदारियों वाली काम है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें रेलवे की करोड़ों प्रॉपर्टी होती है। ओके, और साथ के साथ जो पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन चलाते हैं उनके तो जान का भी हानि हो सकता है, बहुत सारे घटनाएं घट सकती है अगर आप ध्यान से काम ना करो तो। ओके, चलिए रवि रंजन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं आशा करूँगा कि आपकी ये वीडियो लोगों को पसंद आए, और कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।